शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मजाक तो नहीं कर रहे? ये मजाक की बात नहीं है मिश्रा जी, आई एम सीरियस। पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज किसी के हाथ में इतनी आसानी से कैसे ले सकती है? इसी बात का तो मुझे भी ताज्जुब है सर। आर यू श्योर अबाउट इट? ऑफ कोर्स सर, 100% श्योर।
मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। हेलो, मेरी प्रधानमंत्री जी से बात करवाइए इमीडिएटली। थू है हम सब पर। यहां सब बैठे हैं आराम से, सब खलास हो गया। वो बोट, वो बॉक्स सब गया हाथ से। कितनी बार कहा कितना बड़ा ऑपरेशन उन हिजड़ों के हाथ में मत दो। 3 साल की प्लानिंग गई पानी में। अरे बंद कर। क्या हुआ? मैंने कहा बंद कर इसे जोसेफ। जानते हो, अगर सरकार को पता चल गया कि उस बॉक्स में क्या है, तो इस देश की पुलिस से नहीं पूरी की पूरी आर्मी बिठा देगी उसकी हिफाजत के लिए। फिर बैठे रहना यहाँ आराम से वीडियो गेम खेलते हुए। मैं तो कहती हूँ किसी और पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं। हम ही वो कंटेनर वापस हासिल करेंगे। इस बार जो होना है हो जाए। अब पता चला खूबसूरत चेहरों को मैं अपनी गैंग में भर्ती करने से क्यों डरता हूँ? क्योंकि वो सिर्फ नाज और अदाएं ही दिखाते हैं, दिमाग चलाना तो उन्हें आता ही नहीं है। सुवर्णा, छोड़ इसे। सुना नहीं? पुष्कर, इसको जरा समझाओ कि पुलिस के लिए हम खतरनाक आतंकवादी हैं और हमारी फोटो हाथ में लिए पुलिस वाले हर चेक नाके पर हमारी आरती उतारने के लिए तैयारी खड़े हैं। पर ये मत समझना कि मुझे मौत का डर है। हमारा मिशन जिंदा रहना चाहिए बस, और ये काम अपने आदमियों से नहीं बाहर के आदमी से कराना होगा। बाहर वाले को कहां से ढूंढेंगे? हमारे अंडरवर्ल्ड के रिश्ते कब काम आएंगे? एक आदमी खुराना नाम का, वो करेगा ये काम। कौन है वो? है खुराना, वो करेगा ये काम। कितनी बार कहा तुझे हमारे एरिया में नहीं आने का? तुम्हारा एरिया? क्या तुम्हारे दादा ने मरते वक्त तुम लोगों के नाम लिखी थी ये जमीन? हाँ, हॉकी मैच है क्या? हाथ नहीं लगाने का। क्यों, क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? हाथ नहीं लगाने का बोला ना। क्या करेगा? मैंने पहले ही बोला था मुझे हाथ नहीं लगाने का। समझते नहीं साले। पहले चश्मा उतार के रखने दे। मैंने कहा ना मैं चश्मा रख रहा हूँ। और मार साले को। अरे कब से बोल रहा हूँ कि मुझे चश्मा रखने दे, फिर भी आंख पे आता है साला। अरे मारना। बोला ना चश्मा जेब में रखने दे।
ठहरो। एक मिनट मेरा नाम खुराना है। देखो, मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़े राज की बात है, टॉप सीक्रेट। मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी के कानों तक पहुंचे। तो मैं बाहर जाऊं? मजाक छोड़ो, इंदिरा डॉक्स के कस्टम्स के गोडाउन में मेरा माल पड़ा है, एक बॉक्स, उसे निकालना है। करोगे? 1,00,000 दूंगा। माल क्या है? बिस्किट, सोने के, और वो भी 1,00,00,000 के। भिखारी समझाए क्या? 1,00,00,000 गोल्ड बिस्किट का 1,00,000? अरे इतने में तो अपन ग्लूकोज बिस्किट भी नहीं लाएगा। इतने सोने का 1,00,00,000 बोलता है साला। ठीक है, 2,00,00,000 ले लो। 3,00,00,000, 4,00,00,000, 5,00,00,000, आखिर कितने चाहिए तुम्हें? 10,00,000। What? 10,00,000? अबे चिल्लाता क्यों है? अभी अभी तो खुद बोल रहा था किसी को सुनाई ना दे। लेकिन 10,00,000 बहुत ज्यादा है। देखो भाई, अगर बेस्ट आदमी चाहिए तो उसकी बेस्ट कीमत देनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, लेकिन ये काम कल ही हो जाना चाहिए। कल नहीं, परसों। क्यों, कल क्या है? कल मुझे बाल कटन है। बाल कट? मैंने पहले ही कहा मजाक नहीं, ये काम कल ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके लिए 2,00,000 और। What? अब तुम ठीक है यार, तेरा काम कल हो जाएगा। पहले मुझे बॉक्स की डिटेल तो बता। हेलो, क्या बात है मिश्रा जी, इतनी रात गए आपने मुझे बुलाया? डॉक्टर राय, बहुत बुरी खबर है। क्या? अभी खबर मिली है कि वो बॉक्स गोडाउन से चोरी हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर राय, दरअसल बात यह है, मैंने वहां पर सिक्योरिटी नहीं लगाई थी। क्या, आपने वहां सिक्योरिटी नहीं लगाई थी? पर क्यों? अरे भाई, मैंने सोचा था सिक्योरिटी लगाने से वहां पर किसी का भी ध्यान जा सकता है, और मैं इस मामले को बहुत नॉर्मल वे में हैंडल करना चाहता था, और सुबह होते ही उसे आर्मी हाई कमांड के हवाले कर देता, लेकिन ये हो गया। लेकिन अब क्या होगा मिश्रा जी? मैंने कमिश्नर साहब को बुलाया है, वो आते ही होंगे। मतलब आप कमिश्नर साहब को सब कुछ बता देंगे? नो, डॉक्टर राय, मैं उन्हें सब कुछ नहीं बताऊंगा। वहां से बात लीक हो सकती है, पब्लिक तक पहुंच सकती है, एक हंगामा हो सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं, जिन पे बाद में काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पुलिस को कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा मिश्रा जी। हम उनसे कहेंगे कि उसमें सोना था। नमस्ते मिश्रा जी।
इतनी रात के आपने मुझे याद किया, एनी प्रॉब्लम? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो सर, मैं श्री बोल रहा हूँ। एक इमरजेंसी केस, आप जल्दी आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्री, कैसे हो यू रॉबरी? सर, चोर ने अलार्म कनेक्शन काट दिया था। दोनों कोस्ट गार्ड्स को सस्पेंड कर दिया गया है और इंक्वायरी चल रही है सर। और चोरी क्या हुआ? सोना, 2 करोड़ का सर। सोना? फिर तो ये कस्टम्स डिपार्टमेंट का केस है, हमारा क्या लेने देना? पता नहीं सर। और हाँ, चोर को जिंदा पकड़ना है सर। अच्छा, और कोई डिटेल्स? यस सर। क्या वहाँ लगे क्लोज सर्किट कैमरे से तस्वीर मिली है जो हमने चेक नाकों और होटल्स में भेज दी है। गुड, कमिश्नर साहब अंदर है सर। जहाँ बॉक्स है। बॉक्स कहाँ है? बच्चा समझा है क्या? पहले पैसे लेके आ, फिर बॉक्स मिलेगा, समझा? ठीक है ठीक है, होटल पैराडाइज की लॉबी में रात को 9 बजे। ओके गुड इवनिंग रॉनी साहब। गुड इवनिंग, गाड़ी पार्क कर देना। यस सर। अरे सुनो, जिमी कहाँ है यार? अरे मुझसे कहा था शाम को आएगा, पर आया ही नहीं। फिर क्या हुआ? अरे पार्टी में जाना था। हाय गाइस, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाय रोनी। हाय प्रताप। और क्या हो रहा है? यू टेल मी। हाय रोनी, व्हाट्स हैपनिंग? कितनी देर लगा दी यार, तेरा इंतजार था। चलो मैक की पार्टी में चलते हैं। नहीं यार, वही लड़की आ रही थी, कोई फ्रेश माल नहीं होता यार। क्यों, मैक की बहन आई है ना अमेरिका से? तेरे को फ्रेश माल चाहिए ना, वो दे सामने। ये आपसे कुछ कह रहे हैं? ये मैंने कहा हाय। आप बहुत खूबसूरत है। मैंने आपकी तारीफ की और आपने थैंक्स तक नहीं कहा। कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे तू जाना, मैं तुमसे नहीं इनसे पूछ रहा हूं। अरे तू जा रहे। अरे घर पे जाके थोड़ा टाइगर बाम लगा लेना, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद में अपना हाथ है ना गर्म पानी में डाल के उस पे थोड़ा नमक डाल दे। अरे रोना बंद। अरे तुम नहीं आते तो भी मैं संभाल लेती हूँ। अपने आप को हीरो मत समझो।
माचिस है? है लेकिन मैं देता नहीं, मुझे माचिस मांगने वाले से सख्त नफरत है। ये माचिस देना। मैं 20 साल अमेरिका रहा हूँ, वहाँ कोई किसी से माचिस नहीं मांगता। मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ सब लोग लाइटर इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास माचिस है लेकिन मैंने दी नहीं। मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि सुबह से ये जोक किसी को सुनाने के लिए मैं तड़प रहा था। अरे मैं भी तो लहले पे कहला हूँ, फिर भी ये सोचूं जरा अपनी ये शान नहीं के मंगल तेरे जैसे से, वरना लोग बोलेंगे कि देखो लड़ बैठा है एक लड़की से, किस नाजुक से जो बस उड़ जाए भूख से। देखो संभलो ऐसे नहीं उछलो, बल खा न जाए कमर, हाथ गोरे गोरे टूटे न पांव प्यारे प्यारे टूटे न टूटे कहीं ना ये सर। वाँ 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 अपनी खैर मनाओ और सीख के आओ बस भी फेंकना ए पूरी हमसे जरा।
अरे मैं भी तो वो नहले पे दहला हूँ, फिर भी ये सोचो जरा शर्ट तो वापस दे दीजिए। आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। मैं भी अमेरिका में बहुत अच्छा डांस करता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि अब मैंने अमेरिका ही छोड़ दिया है। लगता है दूसरा गाना शुरू होने वाला है। हाथ ऊपर। पीछे। एक नीचे बैठो।
नीचे। क्या बात है मिस यही आपने कहा है कि जब तक आप वापस मैडम मैं क्राइम ब्रांच का एसीपी नायर हूँ इसका मतलब है किसी भी लड़के के कमरे में घुस सकते हैं मैडम मैं यहाँ पर एक चोर के पीछे आया हूँ जो शायद क्या मतलब है आपका यहाँ कर्टन के पीछे कोई चोर छुपा हुआ है और उसके सामने मैं कपड़े बदल रही हूँ कौन है सीनियर कौन है आपका ओ तो आप हैं इनके सीनियर कैसे लोगों को डिपार्टमेंट में भर्ती करते हैं आप कितना बदतमीज स्टाफ है आपका नहीं नहीं आप गलत समझ रही हैं ये नहीं मैं जूनियर हूँ तो ऐसे आदमी के नीचे काम करते हैं शर्मानी चाहिए आपको लिसन मैडम हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं आप एक बार ये कपड़े पहन लेने दीजिए फिर महिलाओं पर पुलिस के होने वाले अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी ये बात मत भूलिए कि हम जैसे लोग टैक्स भरते हैं तो आप जैसे लोगों की तनख्वाहें मिलती है मैडम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है समझ रही हूँ मैं सब समझ रही हूँ आप जैसे लोगों का काम महिलाओं की रक्षा करना है या उन्हें गंदी नजर से घूर घूर के देखना है मैं आपको घूर घूर के देख रहा हूँ घूर नहीं रहे हो तो खड़े क्यों खड़े क्यों हैं? जी आप वो सर वो चलो तुम बाहर आ सकते हो थैंक यू मुंह उधर करो क्या ओह सॉरी थैंक्स थैंक यू कौन हो तुम मैं कोई नहीं पुलिस क्यों थी पीछे तुम्हारे पुलिस मेरे पीछे कहाँ है देखो सच सच कहो पुलिस क्यों थी पीछे तुम्हारे वो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे को नहीं बता रहे तुम इन बातों में मत घुसो इसी में तुम्हारी भलाई है मेरी भलाई की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं पुलिस क्यों थी पीछे तुम्हारे क्योंकि मैं उनके आगे था हम लोग चोर पुलिस खेल रहे थे बस तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना समझता नहीं हूँ अच्छा बचपन से और ये चोरी चपाटी में बचपन से क्या तुमको मैं चोर लगता हूँ इस आदमी ने एक काले रंग का बक्सा चुराया पुलिस और कस्टम्स का कहना है कि बक्से में 2 करोड़ का सोना है ये 2 करोड़ अगर किसी को भी नजर लेकिन वो साले ने तो मुझे 1 करोड़ बोला था अरे तुमने 2 करोड़ का सोना चुराया अरे 2 नहीं 1 देखो मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है लेकिन अगर तुम ना भी होती ना तब भी मैं अपने आप को संभाल लेता अपने आप को हीरोइन मत समझो Don't
वहां कहां होगा वो कमीना? माय गॉड, वो लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे। पिंकी कच्चा खा जाएगा मुझे। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। साला खुद भी गुल है और माल भी गायब। भाग तो नहीं गया होगा? आई विल किल दैट बास्टर्ड। हाथ में आने दो, एक बार खत्म कर दूंगा उसे। झूठ बोलता है, मुझ जैसे ईमानदार आदमी के साथ चीटिंग करता है। सेक्शन 420 लगा दूंगा। 2 करोड़ होकर 1 करोड़ की बात करता है। अब मैं 4 करोड़ का पैसा लूंगा। 4 का बॉक्स कहाँ है? पैसे कहाँ है? पहले बॉक्स दो। पहले पैसे दो। मैंने कहा ना पहले बॉक्स चाहिए मुझे। मैंने कहा ना पहले पैसे चाहिए। देखो मेरे पास टाइम बहुत कम है। देखो मेरे पास पैसे बहुत कम है। देखो मैं अब आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे बॉक्स पहले चाहिए। पहले पैसे, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। गुदगुदी होती है यार। देख ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये बंदूक बंदूक से बहुत डर लगता है यार। तू भी यार सीरियसली मजाक करता है। देख अब मजाक छोड़ते हैं और सीरियस बात करते हैं, काम की बात करते हैं। अरे तुझे हिंदी समझ में नहीं आती क्या? बोला ना ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं। हटा ना यार बंदूक। कमाल का आदमी है यार तू भी। सीधे सीधे बताओ वरना मैं तुम्हें हिलना मत। ये लोडेड गन है, कोई पेन नहीं। कम ऑन, गिव मी द गन, फटाफट, कम ऑन। सॉरी, झूठ बोला था। हाँ, मैंने कहा था हिलना नहीं। ओके, मूव ना, कोई हिलना नहीं बीच में। कम ऑन, मूव, मूव। लेकिन लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? अरे ये कोई पूछने का वक्त है क्या? लेकिन मेरी बात तो सुनो। लेकिन पहले तुम यहाँ से निकलो, फिर बहुत बातें करेंगे। ओके ओके। ये लो। साले मेरे से चीटिंग करता है, अब मैं तुझे टीचिंग सिखाता हूँ। 90 पॉइंट की वाट लगा दी तूने। लेकिन मेरी बात तो सुनो, तुम यहाँ आई तो चल चल अभी चल साले चल। जब ये गोली तेरे भेजे में जाएगी ना तब मालूम पड़ेगा चीटिंग करता है साला। हम अब पता चलेगा। नहीं मारो मत, मारो मत। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ आई कैसे? अरे, तुम वो हैला चल चल पहले से चल चल। मिस्टर नायर, इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है? कमिश्नर साहब बता रहे थे कि वो आदमी हाथ में आकर निकल गया। सर हमने पूरी कोशिश की लेकिन हाँ हमसे गलती हो गई। देखिए मिस्टर नायर,
इस केस में जरा से भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। आई थिंक यू शुड बी मोर प्लान्ड। बाय द वे, ये मिस्टर राय हैं, रॉ के ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं। हेलो। हेलो। वैसे डॉक्टर राय, आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है जैसे मैं और हमारा पूरा डिपार्टमेंट इस केस को लेकर सीरियस नहीं है, विच इज नॉट अ फैक्ट। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अनप्लान्ड है, ये एक फील्ड जॉब है, इसमें ऊंच नीच हो सकती है। नायर, मिनिस्टर साहब को तुम्हारी सीरियसनेस पर शक नहीं है, लेकिन तुम पोजीशन समझो, हमें ऊपर से प्रेशर आते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट सर। देखो मिस्टर नायर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, बहुत उम्मीदें हैं तुमसे, बट वी वांट रिजल्ट्स। यस सर, आई डू माय बेस्ट। सर, एक बात पूछनी थी आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए, गोल्ड स्मगलिंग तो काफी कॉमन बात है, लेकिन इस केस को लेकर इतनी घबराहट, इतनी टेंशन, कोई खास बात है क्या? मिस्टर नायर, ये केस एक बहुत बड़े इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा हुआ है। इस वक्त मैं तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकता। यस सर। ए जोलजाल, इस बार बिल बढ़ाकर बनाना क्या? कितना बढ़ाऊं? अरे 20% बढ़ा दे, 5% तू रख लेना। क्या बॉडी है आपकी? मैडम, मेरी बॉडी मेरी नहीं तो आपकी है क्या? आजकल की गाड़ियों में इतनी मजबूती, ऐसी चमक कहाँ? कौन सा मॉडल है? आप गाड़ी के बारे में बात कर रही हैं? ये 1980 की है, मैं 60 का हूँ जी। मुझे आगे तक छोड़ देंगे प्लीज? क्यों नहीं, आप चाहेंगी तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा। हाउ स्वीट बॉडी। तो फिर आपका गमछा मुझे बहुत पसंद है। वैसे आप जा किस तरफ रहे हैं? आपको किधर जाना है? मुझे तो खंडाला जाना है। याद आया, मुझे भी वहीं जाना है। है ना? तो फिर चल। आइए ये बैठिए बैठिए, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ए तुम कौन हो? ए तुम कौन हो? कौन हो तुम? हेलो हेलो, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आप लोग जरा समझने की कोशिश करो, अगर वो आदमी हमें नहीं मिला ना तो पिंकी हमें बर्बाद कर देगा, समझे? ऐसी बात वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए कह रहा हूँ जाकर के उसे ढूंढो और पकड़ कर ले आओ इधर। मे आई कम इन? कितनी बार कहा है कि ये धाएं धाएं की आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती, कम से कम साइलेंसर तो लगवा लो, सुनता ही नहीं है। मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा हेलो हाय बोलता चलो। हाँ पिंकी, मेरी बात सुनो पिंकी, पिंकी पिंकी सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ पिंकी। मिस्टर खुराना, मिस्टर खुराना, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर, मैं आपको आपको पूरी बात डिटेल में बताना चाहता हूँ सर। या बस या मुझे मुझे आपसे कुछ क्लेरिफाई करना है सर। हम काम करने वाले, क्या हुआ? अब हम काम करने ही वाले थे, मैंने पूरी कोशिश की सर, पूरी कोशिश की, पूरी बिलीव मी, पूरी कोशिश। कोशिश करने के लिए थोड़े दिया था, काम खत्म करने के लिए दिया था। हाँ, काम खत्म करने के लिए, काम के लिए हम तीन तीन साल से भटक रहे हैं, राइट? सर मुझे 5-7 घंटे की मोहलत और दे दीजिए सर, 5-7 घंटे की मुझे 5-7 घंटे की मोहलत। हमारे धंधे में गलती, एरर, मिस्टेक, भूल, चूक, किसी भी चीज की गुंजाइश नहीं है, किसी भी चीज की नहीं है।
मेरी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? पिंकी बंद करिए तमाशा, मर गया नहीं ये, अब आगे की सोच की करना क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि ये काम हमें खुद को करना चाहिए, औरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, पर ये पिंकी ने मेरी बात नहीं मानी। क्यों नहीं कहा था मैंने? मैंने कहा था, तुमने कहा था बंद करो ये सब, जो होना था सो हो गया। अब ये सोचो कि कहाँ ढूंढेंगे उसे हम? कहाँ ढूंढेगा तू उसे? पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, इसके पहले कि पुलिस उसको पकड़े हमें पकड़ना होगा उसे। पुलिस तो उसे ढूंढ ही लेगी, पर हमें इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी उसके बारे में? I got an idea. अरे कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अरे बोलती क्यों नहीं? अरे मैं क्यों बोलूं? तुमने बताया था मुझे कि तुम कौन हो, ये पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? अरे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक सीधी सादी लड़की को अपने लफड़े में क्यों डालूं? किसने कहा तुमसे कि मैं सीधी सादी हूं? ठीक है तुम सीधी सादी नहीं हो, लेकिन सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? 50-50 है? 50-50 शादी? सॉरी। अरे बताओ मेरे पीछे क्यों पड़े हो? देखो 2 करोड़ का सोना है ना, 1 करोड़ का मुझे दे दो, 1 करोड़ तू रख ले। आई लव गाड़ी निकालो जल्दी। अरे सलाम साहब। तुम तो लड़की हो। हाँ साहब, तो मैंने कब बोला साहब कि मैं लड़का हूँ? मेरा मतलब है मैंने कभी लड़की को ट्रक चलाते नहीं देखा। बस क्या साहब, अगर बसंती लड़की होके टांगा चला सकती है तो मैं लड़की होके ट्रक नहीं चला सकती क्या साहब? बसंती? कौन बसंती? बसंती साहब वो रामगढ़ वाली, वो वीरू होता है ना, वीरू उसकी गर्लफ्रेंड। वीरू की गर्लफ्रेंड? कौन वीरू? अरे वीरू साहब जिसको ठाकुर साहब लेकर आते हैं वो गब्बर को पकड़ने के लिए, वही। ये लड़की ज्यादा होशियारी नहीं, ये ट्रक तुम्हारा है? हाँ साहब मेरा ही है ना, मेरे डैडी ने मुझे बर्थडे के लिए गिफ्ट दिया था और मेरी माँ को टेम्पो दिया था, वो टेम्पो चलाती। तो तुम्हारा बाप क्या चलाता है? वो घर चलाता है साहब। बड़ा चलाओ खानदान लगता तुम्हारा। अरे अरे अभी देखता हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं साहब तुम्हें? पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है। Look at that!
के पीछे दौड़ गई संभालो भी, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं शाम को देरी से घर आऊंगा, फिक्र नहीं करना। अच्छा कौन? पोस्टमैन। पोस्टमैन खाना चॉकलेट? चॉकलेट नहीं खाएगा? हाँ नहीं खाएगा। अरे देख, मैं भी जब छोटा था ना तेरे जैसा, हाँ, तो मुझे भी चॉकलेट खाने को बहुत दिल करता था, बहुत दिल करता था। लेकिन मेरी माँ झूठ बोलती थी चॉकलेट खाएगा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, दांत है ना दांत, वो गिर जाएंगे। और मैं रोता था, पूरा दिन रोता था। एक दिन माँ मर गई। माँ मर गई तब मैं जितनी चाहूँ उतनी चॉकलेट खा सकता था ना, लेकिन तब मैं बहुत बड़ा हो गया और फिर चॉकलेट खाने को दिल भी नहीं करता था। इसलिए मैं कहता हूँ दिल करता है चॉकलेट खा ले चॉकलेट। अच्छा 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 अच्छा, अपनी माँ के हाथ से चॉकलेट खाएगा है? माँ के हाथ से चॉकलेट खाएगा। हाय मॉम। हे मॉम, अपने हाथों से अपने इकलौते बेटे को चॉकलेट खिलाओ। ओ लला, कितना गोरा हाथ है और गोरे गोरे हाथ पे हरी हरी चूड़ियां, थोड़ा सा खून निकल आए तो क्या रंगोली बनेगी, लाल हरा सफेद। हाथ छोड़ मेरी बीवी का। तो क्या पकड़ू? अरे माफ करना, पराई स्त्री को हाथ लगाना पाप होता है। भाभी कितनी भी सेक्सी हो, देखना नहीं चाहिए, है ना बेटे? तुम्हें तो इन सब बातों का बहुत बुरा लगता होगा ना? क्यों सुवर्णा भाभी? Come to the point. भाभी, भाभी, भाभी। ए, समझाओ अपने पति देव को। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? साफ साफ बताओ। जानकारी, इन्फॉर्मेशन चोर के बारे में। जैसे ही पुलिस को चोर का पता चले, आप हमारा अति शीघ्र संपर्क करें और हमें बताएं कि चोर महाशय कहाँ छिपे हुए हैं, वरना आपका सारा परिवार शमशान घाट पे लेटा होगा। हुक्म अनुसार, बाय ऑर्डर, अंडरस्टैंड? मैं गद्दारी नहीं कर सकता, कतार नहीं हूँ मैं। हाँ लेकिन बाप तो हो ना, या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मासूम बेटे के ओंठों को चीर कर मैं 2 इंच बड़ा कर दूं, ताकि ये जिंदगी भर हंसता रहे और मुस्कुरा कर टूथपेस्ट की एड में काम करे। ईमानदार बाप का जानदार बेटा रोज इस्तेमाल करता है कॉलगेट। डिंग डोंग। अब बस भी करो, इतनी आसान बात नहीं है ये।
हमारे डिपार्टमेंट में हर आदमी पर नजर रखी जाती है, और मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाऊंगा? अगर बेटा जिंदा चाहिए तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये हरामजादा कटे हुए होंठों से जिंदगी भर हंसता रहेगा और इसे देखकर तुम जिंदगी भर रोते रहोगे, समझे? बेटे अपने पापा से कहो, अच्छे पापा जिद नहीं करते, पापा जिद नहीं करते, पापा जिद नहीं करते। हाँ, हाँ, हाँ। करोगे? बेटे अपने पापा से कहो जय हिंद। जोर से बोलो। जोर से बोलो। क्या बात कर रहे हो, फिर भाग गए? माफ कीजिएगा सर, गलती हो गई। अरे कितनी बार गलती होती है, पिछली बार भी तो वो सर, दरअसल वो इंस्पेक्टर राणा की वजह से वो लड़की उसे भगा के ले गई। लड़की? कौन लड़की? सर उसका नाम बसंती है। आज कितनी तारीख है? 25। 5 दिन बचे हैं पगार मिलने में। तुम्हें क्या लगता है इस बार पगार बढ़ेगी? पगार क्या यार, बोनस भी मिलना चाहिए 25%, वरना ऐसे बूढ़े हो जाएंगे, डीए बनने का भी कोई खबर नहीं है। अच्छा सर, तो मेरे सिपाही को पगार में बढ़ोतरी चाहिए, बोनस भी चाहिए 25%। अरे तुम्हारी तो पगार कटनी चाहिए और वो भी 50%। कितनी बहादुरी का काम किया है, एक लड़की के हाथों उल्लू बन गए, गधे कहीं के। पुलिस वाले हैं ये, पुलिस वाले। अरे खाकी वर्दी पहन के देखते नागरिकों की रक्षा करते हैं। जानते हो साहब नाराज क्यों है? क्योंकि तुमसे पहले वो लड़की साहब को उल्लू बना चुकी है। क्या? टोपी देखना यहाँ कहीं पानी मिलता है क्या? आगे मेरे बाप ने 5-स्टार होटल खोल रखा है, बात हम सब पी लेना। तू अपने आप को बहुत छाना समझता है ना? बचपन से। आउच! आ! क्या हुआ? ये काटो! अरे मुंडी उठाकर घूमती है, धरती पे देख, धरती पे। जंगल में कांटे नहीं मिलेंगे तो क्या कारपेट मिलेगा? ए तो चुप! एक तो ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? क्या मतलब? कितनी बार तुझे बोला था मुझे गाड़ी चलाने आती है, चलाने दे, तू स्टीयरिंग क्यों खींच रहा है? अरे नहीं खींचता तो मर जाते ना। अरे जा बे जा, गाड़ी चलानी मुझे सिखाएगा, बात करता। ये बेबे नहीं बोलने का क्या? नहीं तो क्या कर लेगा बे? अगर तू लड़का होता ना तो बताता, नाटक करती है साली। आए। बोल, बोल, ये बे नहीं बोलने का। क्या बता था? बोल ना, बोल, बोल, बोल ना। क्या बोला था? ये? लड़की का काम रसोई घर में होता है, मर्दों के साथ झगड़ा करना नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूँ मर्द बनने की कोशिश मत करो। काटती है?
सॉरी कहना सर। हाथ मत लगा। अरे कहना आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया। खैर छोड़ो, देखो हम दोनों मुसीबत में फंसे हुए हैं, कोई रास्ता ढूंढते हैं इस मुसीबत से बाहर निकलने का, है? तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? दयाशंकर। है? दयाशंकर। दयाशंकर? क्यों? बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? उमा पार्वती। क्या? उमा पार्वती। नाइस मीटिंग यू। लेकिन 50-50 याद है ना? हाँ याद है। बसंती? ये बसंती कौन है? सर, नायर साहब कह रहे थे कि इंस्पेक्टर राणा प्रताप को वो लड़की चेक नाके पर मिली थी, कुछ शोले का जिक्र कर रही थी। शोले? कौन शोले? आप शोले के बारे में नहीं जानते? जी नहीं, मैं कभी मिला नहीं उनसे। डॉक्टर राय, ये एक फिल्म का नाम है, बहुत हिट फिल्म थी। I'm sorry, मैं फिल्में नहीं देखता। पर शोले का ताल्लुक इस केस से क्या है? सर यही तो पता लगाना है। क्या देख रहे हो? क्या क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। झूठ। क्या? क्या 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 तुम मुझे देख रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ तुम मुझे देख रहे हो। हाँ हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नहीं देखने का। नहीं देखने का? क्यों नहीं देखने का? क्या तुम्हारे बाप का जंगल है? मैं झाड़ को देख सकता हूँ, आसमान को देख सकता हूँ, जमीन को देख सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे फैमिली में कोई बीमारी है क्या? है हमेशा झगड़ा करना, हमेशा शक से। फैमिली की बात मत करना मुझसे। हमेशा टिर 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 टिर। दयाशंकर, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं। तुम अकेली हो क्या? सिवाय एक बॉयफ्रेंड के। बॉयफ्रेंड? बहुत हैंडसम है। बहुत ही हैंडसम है। वाह। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अरे कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं है। क्यों? कोई लड़की पसंद नहीं आई अब तक। दयाशंकर, क्या सचमुच तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या सचमुच तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? देखो मैंने पहले पूछा ना। हाँ लेकिन अभी मैंने पूछा है, तुम बताओ। वो क्या है कि? अरे बताओ। तुम क्यों जानना चाहती हो? ऐसे ही। मैं भी ऐसे ही। तुम्हें नहीं बताती तो मत बताओ। है? दयाशंकर, Thank you.
जहरीला जहरीला प्यार, डस लूं तुझे बार बार, हिस हिस निकली है जवान से, नाचन बनी हूं मैं तो इंसान से, जहरीला जहरीला प्यार, दस लूं तुझे बार बार, हिस हिस निकली है जबान से, नागन बनी हूं मैं तो इंसान से। जयशंकर, जयशंकर, ओ जयशंकर, Thank you.
क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? अरे हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर? क्या हेलीकॉप्टर? अरे पुलिस का। कहाँ है? यहीं घूम रहा था हमारी तलाश में। अच्छा हुआ मैंने वो हेलीकॉप्टर देख लिया, नहीं तो हम दोनों की छुट्टी हो जाती। मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं? अरे मुझे सब मालूम है तेरे नाटक। मैं जब से देख रही हूँ तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मुझे बार बार छूने की कोशिश करते हो। तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? दिमाग ना तेरा खराब हो गया है, भूसे ना भूसा भरा तेरे दिमाग में, सब गंदी बातें भरी है। गंदी बातें? देखो मुझे सब मालूम है, कोई ना कोई मौका ढूंढ के तुम मेरे पीछे पड़ जाते हो। तुम्हारे पीछे मैं पड़ा हूँ? अरे तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी, मैं तो सोने के पीछे थी। और वैसे भी ऐसे ऐसे आदमी के साथ रहना हो तो मुझे सोना भी नहीं चाहिए। चल जा, जय राम जी की। अरे जा जा, जय राम जी की। अरे जा रही हूँ। अरे जा ना रे, बात क्यों करती है? ऐसे बात कौन करता है? तू बोल रहे थे मैं नहीं जा रही हूँ। अरे तुझसे बात कौन करेगा? तू चुप बैठ, मैं अपने। अरे बात मत कर, जा ना तू। अरे चल। पता नहीं क्या समझता है जाना ही नहीं चाहिए था। इतनी बुद्धू लगती है उस आदमी को, पता नहीं क्या समझता। अरे जाजा क्या समझती है? और मेरा नाम उमा पार्वती नहीं। नहीं भवानी, नंदू, नाइस मीटिंग यू।
यहाँ कोई होटल है क्या? चाकू 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 होटल होटल चाकू चाकू नहीं जी, होटल खाने को कुछ। ठीक है ठीक है, नहीं चाकू चाकू ठीक है चाकू। चाचा यहाँ कोई होटल है क्या? चाकू चाकू, अरे होटल चाकू। ओ चाचा होटल होटल चाकू। ये चाकू क्या है यार? मोटे ये चाको होटल का है? अरे ये चाको होटल का है? चाको हमारा नाम है। हाँ तो तुम्हारे होटल में दो कमरे चाहिए। चाको हमारा नाम है, कोई होटल नहीं है। जाओ। सॉरी, वो क्या हुआ कि गांव में सब लोग चाको चाको बोल रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि आपका होटल होगा। जाओ। चाको जी, तो क्या है, हम बहुत दूर से आए हैं। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। यहाँ? हाँ यहाँ। थैंक यू। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो क्या है ना चाको जी, हम बहुत दूर जंगल में से आए हैं और हम लोग बहुत थक गए हैं, तो हमें रहने के लिए अगर कोई जगह मिले तो। गांव चाहिए? गांव ले लो। पहाड़ चाहिए? पहाड़ ले लो। खेत चाहिए? खेत ले लो। जंगल चाहिए? हमें जंगल नहीं चाहिए। मैंने अभी तक दिया नहीं। वो क्या है चाको जी के, अभी अभी हम लोग जंगल से ही आ रहे हैं ना, इसीलिए नहीं दिया। हाँ। चाको जी जी, वो हमारे लिए होटल का अगर कोई भी इंतजाम हो सके तो हमें वो। यहाँ कोई होटल नहीं है। नहीं? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ मैं ना चाको, हमारा नाम चाको कैसे पड़ा जानती हो? कैसे कैसे? जब हम छोटे से थे तब हमने इतने बड़े चाकू से एक शेर को काट डाला। सुना? तब से हमारा नाम चाको पड़ा। जब तक हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम आपको जो चाहिए, जहाँ चाहिए, जितना चाहिए सब देंगे। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी। मोगेसा चाको, ये सारा गांव, यहाँ के पहाड़, पेड़ पौधे, छोटे छोटे कंकर सब हमारा है। इस प्यारे गांव के सभी लोग हमारे बच्चे हैं। आपके बच्चे? हमारे बच्चे जैसे। हम इस गांव पर 400 साल से हुकूमत कर रहे हैं। 400 सालों से? 400 साल से। लेकिन आपकी उम्र इतनी लगती नहीं है। 400 साल से मेरे बाप के दादा के दादा के दादा के जमाने से हम इस गांव पर हुकूमत कर रहे हैं। हम तो अभी जवान हैं। यहाँ कैसे आए? मद्रास। दिल्ली। मद्रास। दिल्ली। वो क्या है कि चाको जी, मैं दिल्ली से आया हूँ और ये मद्रास। मैं मद्रास। आप दिल्ली से, ये मद्रास से। मैं मद्रास से आई हूँ, ये दिल्ली से आए हैं। आप मद्रास से, ये दिल्ली से। नहीं, मैं दिल्ली से, ये मद्रास से। जहाँ से भी आए ठीक है, लेकिन क्यों आए? क्यों आए? क्यों? क्योंकि इनके पिताजी बहुत बड़े शिकारी हैं। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े शिकारी थे। आपकी माँ क्या थी? मेरी माँ? आपकी माँ? मेरी माँ शिकारी नहीं थी। मेरी माँ भी तो शिकारी नहीं थी।
दरअसल माओ को शिकारी होना भी नहीं चाहिए, बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। हा? लेकिन मेरी माँ शिकारी थी, बहुत बड़ी शिकारी। क्यों 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 क्या क्यों क्यों शिकारी थी? क्यों आए यहाँ पर? क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि इनके पिताजी बहुत बड़े शिकारी हैं। और अरे तुम्हें बोलो ना दयाशंकर। दयाशंकर? कौन दयाशंकर? मेरा नाम है जी। दयाशंकर? हाँ क्यों? बड़ा प्यारा नाम है दयाशंकर। हमारा नाम चाको है। नाइस टू मीट यू। और मैं उमा पार्वती। नाइस टू मीट यू। लेकिन यहाँ क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि इनके पिताजी बहुत बड़े शिकारी हैं। मैं जानता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर इनके पिताजी जो बहुत बड़े शिकारी हैं, मैं जानता हूँ, वो शेर का पीछा करते करते इस जंगल में आ गए। जंगल में? फिर शेर आगे पिताजी पीछे। शेर आगे पिताजी पीछे? नहीं, शेर के पीछे पिताजी। शेर के पीछे पिताजी और आगे शेर था? आप समझ नहीं रहे चाकू जी। शेर आगे चल रहा था, पिताजी पीछे आ रहे थे। शेर आगे पिताजी? एक बात बताओ, शिकार कौन कर रहा था, पिताजी या शेर? मेरी माँ। माँ? इनकी माँ कहाँ से आ गई? तुम ही बोला ना दयाशंकर। वो क्या है ना चाकू जी? जी, मेरे पिताजी है ना, वो बहुत बड़े शिकारी हैं। मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत बड़े शिकारी थे। और मेरी माँ भी बहुत बड़ी शिकारी थी। मैं जानता हूँ। फिर आगे क्या हुआ? तो मेरे पिताजी शेर के पीछे पीछे जंगल में चले गए। अच्छा। और उनको ढूंढने के लिए इनकी माता जी उनके पीछे चली गई। अच्छा। और फिर बताओ बताओ आगे क्या हुआ? बताओ। मैं? फिर आगे क्या हुआ? फिर इनके पिताजी जो बहुत बहुत बड़े शिकारी थे, मैं जानता हूँ, आगे क्या हुआ? आगे इनके पिताजी जो बहुत बड़े शिकारी हैं, मैं जानता हूँ, फिर वो एक शेर के पीछे इस जंगल में घुस गए। शेर आगे चल रहा था, पिताजी पीछे चल रहे थे। फिर शेर आगे चल रहा था, पिताजी पीछे आ रहे थे। वही, पिताजी पीछे चल रहे थे, शेर आगे चल रहा था। आगे? आप समझ नहीं रहे चाकू जी। शेर के पीछे पिताजी चल रहे थे। आगे? पीछे? आगे? अरे पीछे? अरे आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे चाकू जी, इनके पिताजी जो बहुत बड़े शिकारी थे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आगे क्या हुआ? वो एक शेर का पीछा करते इस जंगल में घुस गए। शेर आगे चल रहा था, पिताजी पीछे चल रहे थे। पिताजी के आगे शेर चल रहा था, पिताजी शेर के पीछे चल रहे थे। फिर क्या हुआ? पिताजी के पीछे मेरी माँ जो बहुत बहुत बड़ी शिकारी है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो उसके पीछे जा रही थी। फिर क्या हुआ? मेरी माँ जो बहुत बड़ी शिकारी है, वो पिताजी के पीछे चल रही थी। शेर आगे, पिताजी पीछे, पीछे माँ, माँ के पीछे शेर, और शेर के पीछे इनके पिताजी। शेर आगे चल रहा था, उसके पीछे इनके पिताजी जो बहुत बड़े शिकारी है, बहुत बड़े, उनके पीछे आपकी माँ, वो भी बहुत बड़ी शिकारी है, बहुत बड़ी, उसके पीछे शेर कहाँ से आया? शेर तो आगे चल रहा था, आपकी माँ के पीछे शेर कैसे आया? मैं क्या बेवकूफ हूँ? चाकू जी, वो क्या है कि वो लोग गोल घूम रहे थे। गोल? गोल। समझ गया। उसके बाद आप दोनों आए और आप दोनों भी रास्ता भूल गए। अरे चाकू जी, वेलकम। आइए आइए, ये है हमारा छोटा सा राजमहल। ये? हाँ ये। It's beautiful. Thank you. यहाँ पे सब कुछ है, किसी भी बात की कमी नहीं, सिर्फ अरे अरे सिर्फ एक सहारा चाहिए। आइए आइए, ये महल बनाने में मेरे दादा को करीब 40 साल लगे थे, जिसके लिए उन्होंने 400 पेड़ काट डाले। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए।
कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। चाकू जी, दो दिन से हम लोग जंगल में ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, हमारे नहाने का कुछ इंतजाम हो सकता है? हो सकता है लेकिन उमा पार्वती, हमारे पास तो बदलने के लिए कपड़े भी नहीं है। चाको जी, हमें कपड़े मिल सकते हैं? जरूर जरूर। नंदू, लेकिन इस ड्रेस में तुम लग पड़े अच्छे रहे। तुम भी इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे अरे, ये टुमला कौन है? धीरे बोलना, नहीं तो चाकू सुन लेगा तो। लेकिन उसकी तो मुझे नहीं है। ये मेरे दादाजी हैं, माय ग्रेट ग्रैंडफादर। महान आदमी थे, इतने महान थे कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। शादी नहीं की? कभी नहीं, कभी भी जिंदगी में शादी नहीं की। व्हाट अ मैन। ये मेरे शिकारी, जो बहुत बड़े पिताजी थे, महान आदमी थे, बहुत ही महान आदमी थे, इन्होंने भी शादी नहीं की होगी। अगर ये शादी नहीं करते तो मैं कैसे पैदा होता? और चाकू जी, आपकी माता जी? मेरी माँ तो मेरे पैदा होने से पहले ही मर चुकी थी। सिर्फ आपके लिए ये खास बनाया है। ये तो अंडा है, खोल के देखिए, खोल के देखिए। How sweet. तीखा है? स्वीट नहीं, तीखा है। तीखा है, तीखी चीज मुझे बहुत पसंद है। एक सेकंड, आप में इतनी तमीज नहीं कि लड़की पहले पुरुष बाद में? I'm sorry. मैं दे दूंगा। लीजिए। थैंक यू। बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी है। आपकी बीवी ने बनाए हैं? हम तो अभी कुंवारे हैं। कुंवारे हैं? अब तक कोई लड़की नहीं मिली। क्या बात करते हैं चाकू जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपसे शादी करने के लिए तो कोई भी लड़की राजी हो जाएगी। सच? बिल्कुल। एक लड़की को अपने पति में क्या चाहिए? क्या चाहिए? दौलत या ताकत नहीं, दिल चाहिए, दिल। और आपसे बड़ा दिलवाला उसे भला कहाँ मिलेगा? सारा जंगल आपको राजा मानता है, राजा। और जो लड़की आपकी रानी बनेगी वो तो बहुत ही किस्मत वाली होगी। थैंक्स। ये है हमारे गांव का नजारा। उड़ा। हाला वाला खोन जा। ये कौन सी भाषा है? सॉरी, हिंदी। हिंदी? हिंदी, लेकिन मैं हिब्रू में बोलता हूँ। लेकिन चाकू जी, ये सब क्या तैयारी हो रही है? प्लीज, ये हमारे गांव में जश्न की तैयारियां हो रही है। जब भी एक रात में दो दो चांद निकलते हैं तब यहाँ जश्न मनाया जाता है। एक रात में दो चांद? एक रात में दो चांद। एक तो वो चांद रूटीन, और एक तो हला वाला खून जा। ये वो ड्रिंक है जिसको पीते ही 440 वोल्ट का नशा हो जाता है। जिस थैंक्स। ये आप ले लीजिए, इसे पीते ही आपको मजा आ जाएगा। चीयर्स।
मेरा ग्लास कहाँ है? चेयर्स चेयर्स चेयर्स। चाको जी, ये तो 440 का नहीं लगता, तो 880 का लगता है। तुम्हें ये पी के नशा हो गया? मुझे यू ही नशा हो गया, लेकिन अभी तो गाना बाकी है, बजाना बाकी है और नाच भी होना है। नाच भी होगा, लेकिन इन कपड़ों में नहीं, नहीं, नहीं। अभी बदल दे। यस।
बनाया है जो कंप्यूटर पर प्यार ना किया दुनिया में तो फिर है क्या किया किसी के प्यार की ये तो जाने राम सो गया वेरी बैड वेरी बैड। अच्छा एक बात बताओ राम लखन राम लखन सॉरी दयाशंकर एक बात बताओ दयाशंकर ये मीना कुमारी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है मीना कुमारी अरे वो विविध भारती उमा पार्वती के साथ उसके साथ कुछ भी नहीं कल ही तो मिली हूँ मैं उससे माँ बाप को ढूंढते बस उतना ही चाको जी मैं ड्रिंक लेके आया जानती हो वो कौन है कौन वांटेड क्या हुआ चाकू जी मैंने आपसे झूठ बोला था झूठ मुझे झूठ बोलना पड़ा था वो है ना वो उमा पार्वती उसे मैं नहीं जानती मुझे उसने परसों उसने मुझे जंगल में किडनैप कर लिया था मुझे बोला
किसी को अगर मैंने कुछ बताया तो मुझे जान से मार डालेगा। तुम डरना नहीं दयाशंकर, तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास अंदर एक बहुत बड़ी गन है, वो गन से मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, बचाऊंगा। थैंक यू। कहाँ थी तुम इतने देर? वो चाको है ना, चाको उसके साथ बैठी थी। चाको? क्यों उस कार्टून के साथ अपना वक्त बर्बाद करती हो? हाँ ए, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ एक बिस्तर में सोना पड़ रहा है तो तुम मुझे बीवी की तरह मत डांटो। कोई शादी नहीं किया मैंने तुमसे। हाँ तो कर क्यों नहीं लेती? क्या शादी तुमसे? क्यों, मुझ में क्या खराबी है? प्यार किया कभी? प्यार नहीं, प्यार नहीं किया, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ। अरे जा जा, कोशिश बड़ा आया प्यार करने वाला। ए भवानी, कौन है तू, कहाँ से आई है, बोलना। भवानी, इस आदमी को कहीं देखा है? जब है रब होने लगा है नशा मुझको। हाँ बेटा चल, चलाओ राइट दबाओ, लेफ्ट दबाओ, गुड वेरी गुड। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? पता नहीं कुछ गड़बड़ है स्वर्णा। एक एक सेकंड यही बात खाई जा रही है कि हमारा मिशन खतरे में है। ये पिंकी क्या चाहता है, क्या सोचता है, हम नहीं जानते। यहां हम वैसे बैठे हुए हैं जैसे कि पिकनिक पे आए हुए हैं। पुष्कर, जो होना है वो होकर ही रहेगा। Just relax. टार्जन बाबू, प्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है? पत्थर की औलाद, तू क्या जाने प्यार क्या होता है? प्यार तो मैंने किया था। प्यार में जान देने की भी तैयारी होनी चाहिए। ये ऐसे चिड़ी चिड़ियों का प्यार नहीं, गुटरगू गुटरगू। मैंने प्यार किया था, बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत मीठी लड़की थी, लेकिन एक दिन गोली। क्यों? महासती अनसुया नाम की एक पिक्चर आई थी, मैंने उसको बोला कि चल रात के शो में जाते हैं 9 से 12 में। बोलती है नहीं, 3 से 6 के शो में जाएंगे दोपहर में। मैंने बोला रात का शो है, 9 से 12 मजा आएगा। बोलती है नहीं, 3 से 6 के शो में। मैंने बोला 9 से 12। बोलती है नो, 3 से 6। फिर क्या, मैं 9 से 12 के शो में गया दूसरी लड़की के साथ, लेकिन उसने जान दी ना, लड़की ने जान देने की तैयारी होनी चाहिए, इसे कहते हैं प्यार, ये नहीं। हाँ ओके, पता मिल गया, चलो। पता मिल गया, चला। और इनका क्या करें?
ये गाय बछड़े को खत्म करके कहीं जमीन में गाड़ दो, ताकि इनका बाप ये सोचे कि ये लोग अभी तक जिंदा है और हमारे ही कब्जे में है, समझा? और पुलिस वाले को खबर न करे, है ना? क्या है बेटा, ये मारदार करना साला हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तू ये कम नसीब देश में जीके भी क्या करेगा? हाँ साली बेकार की गरीबी, कैम स्कैंडल, मिनिस्टर लोग चोर, चोर लोग मिनिस्टर। हाँ और एक बात बोलूं तेरे को, तो बड़ा हो जाएगा ना तो यहाँ कुछ रहेगा ही नहीं, अरे यहाँ कुछ होगा ही नहीं, फिर तू बड़ा होके कौन से देश के लिए काम करेगा? हाँ कम से कम अभी अगर मरेगा तू तो हमारा काम तो होगा, है ना भाभी? अरे भाभी, माथे पे सिंदूर, छाती पे गोली, तो सुहागन मरेगी यार ये नारी। बेटे आखिरी बार बोलो जय हिंद। जोर से बोलो जय हिंद। जय हिंद। मार दो। I'm gonna go to the hospital.
उल्टा सीधा भागा है तब कुछ नहीं बोली, अब चिल्ला रही है। उस वक्त पुलिस पीछे पड़ी थी ना? अरे तब भी तो एक्सीडेंट हो सकता था। हाँ, मगर उस वक्त कोई चारा नहीं था। अब भी कोई चारा नहीं है। देखो इस स्कूटर में पेट्रोल खत्म होने से पहले हमें शहर पहुंचना है। ओह माय गॉड, अरे बाबा इस तरह से तो हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। तो पहुंच जाने दो। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे ऐसे। अरे टूट जाने दो, पागल हो गए क्या तुम? हां पागल हो गया हूं। तुम्हारा इरादा क्या है बताओ? बताओ बताओ। गाना गाने का। सुहानी शाम है, बस पल दो पल आराम
देखो दीवानों को मस्ती में मस्तानों अपनी ही धुन में चले दुनिया से क्या लेना है ये लोग कपड़े की दुकान में क्या कर रहे हैं? इडली खाने गए हैं। कपड़े की दुकान में इडली? इडली की दुकान में कपड़े लेने गए हैं। He's joking. एक मिनट, क्या चाहिए? दो प्लेट इडली, दो प्लेट बड़ा। चटनी अलग। क्या मतलब? अबे टुमले, कपड़े की दुकान में और क्या लेंगे? पूछता क्या है? देखिए हम यहाँ घाघरा चोरी नहीं बेचते हैं। क्या? मैं तुम्हें घाघरा चोरी पहनने वाली दिखती हूँ? नहीं, मैंने सोचा दरअसल कि सोच मत, कपड़े दिखा टुमले। एक मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये वाला पैंट चाहिए। ये पैंट क्या भाव दिया? ये पैंट 1200 रुपए की है। अबे दर्जन का नहीं बे, एक का पूछ रही हूँ। ये दर्जन का भाव नहीं है, एक पैंट का भाव है 1200 रुपए। हाँ, वो तो बोलता है ना, देगा कितने में? देखिए मैडम, ये पैंट डिजाइनर्स पैंट है, आज ही अमेरिका से आई है, सुबह प्लेन में। पैंट प्लेन में आई या बैलगाड़ी में? पैंट तो पैंट होती है ना टुमले। कैन आई हेल्प यू प्लीज? अबे टुमले, कोई धासु शर्ट दिखा ना। आपको विमल का शर्ट चाहिए? अरे अगर मैं विमल का शर्ट पहनूंगा तो विमल क्या पहनेगा? शंकर, मुझ पे ड्रेस कैसे लगेगी? अरे पहले टुमले से भाव पूछने दे, फिर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, प्लीज डोंट कॉल मी टुमले। ओके टुमले। टुम्स, ये कितने का है? ये 2500 का है। पुतले के साथ? सर ड्रेस का 2500 है, पुतले का 10,000। 10,000? अरे 10,000 में मैं जिंदा लड़की ले आऊं या खड़े रहने के लिए? लेकिन देखिए मुझे यही ड्रेस चाहिए। मुझे मेरे सर पर नहीं, इसको प्लीज पुतले के सर पर रखिए। ओह आई एम सॉरी, लेकिन ड्रेस मुझे चाहिए प्लीज। इसको सीधा करो। जैसा वैसा रहने दो। टुमले, क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं दोगे? नहीं। क्या तुम चाहते हो मैं इतने गंदे कपड़े डाल के घूमूं हर जगह? तुमसे काम दो दिस, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम प्लीज टुम्स थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना बेबी। ऑलराइट, मैं कुछ करता हूँ। करोगे ना? यस। जयशंकर, टुम्स राजी हो गए हैं हमें डिस्काउंट देने के लिए। पैक इट बेबी, पैक इट। बॉस, मैंने आपको कपड़े दे दिए ना, अब मुझे जाते जाते टुमले का मतलब बता दीजिए। अरे
ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तुझे सोना चाहिए ना? हाँ तो सोना कोई ऐसी जगह रखते हैं नंदू। इसको कहाँ से खोलने का? इसे तोड़ना पड़ेगा। तो फिर तोड़ो ना नंदू। ये लोग कौन है? मैं नहीं जानता। और कितने लोग हैं तुम्हारे पीछे? मैंने कहा ना मैंने नहीं जानता। अरे नहीं जानते तो क्या तुम्हें हेलो बोलने को आए हैं? तुम भी मेरी बात नहीं सुनती हो। हमेशा झगड़ा करती हो। लेकिन तुम अरे मैं झगड़ा करूंगा ना, बोला ना। अरे झगड़ा मैं नहीं तुम कर रहे हो। तुम मुझे कुछ नहीं पता। ये तो है कौन? पूरा 580 किलोमीटर घुमाया, 3000 रुपए का पेट्रोल जलाया, गाड़ी का गियर बदलते बदलते मेरे हाथ का मुरब्बा हो गया। गवर्नमेंट ने भेजा था हमको भारत दर्शन करवाने के। कोई दैया तू क्यों चिल्लाई आर्य नारी? इश्क हो गया है जेंगो से, बॉडी से प्यार हो गया है क्या रे? ये ऐसी बॉडी फोड़ी दिखा के किसको की मलाई मार मार के बनाया ऊपर वाले ने? हाथ मत लगाना। तो क्या करूं, लूला बन जाऊं? ये गोरे गोरे होंठों पे ऐसा कस के चुम्मो लूंगा कि खून के मारे लाल लाल हो जाएंगे। अरे मामले में टांग मत लगाना वरना खोपड़ी खोल दूंगा। कम बेबी कम। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। पिंकी अच्छा अच्छा। पिंकी अपने आदमियों से कह दो कि हथियार फेंक दे और दयाशंकर को मेरे हवाले कर दे। सुनो नहीं चल दे।
तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है यार? उनको ढूंढ जा। शंकर, ये लफड़ा क्या है? वो क्या है ना चाको जी, मैंने आपसे झूठ बोला था। झूठ? हाँ चाको जी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा था कि नंदू ने मुझे किडनैप कर लिया है। कौन नंदू? वो उमा पार्वती है ना। दरअसल उसका नाम उमा पार्वती नहीं, जी नंद कुमार है, इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच CBI। और मेरा नाम भी दयाशंकर नहीं है, मेरा नाम है पी भवानी, डिप्टी इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच CBI। और हम दोनों मिलके एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल गैंग को पकड़ने के काम में जुटे हुए हैं, और इसी सिलसिले में ये सब कुछ हो रहा है। आज लेकिन तो फिर ये पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? ऑपरेशन ही इतना बड़ा है कि पुलिस तक को इस बात का पता नहीं और ना चलना चाहिए। अच्छा, यू ब्लडी इडियट, मुझे बताना तो चाहिए था कि तू है, तेरी वजह से मेरी सारी गोलियां खत्म हो गई। ब्लडी इडियट, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, आप बस गोलियां चला रहे थे, मैं क्या करता? तुम लोग साले मेरी जासूसी करने आए हो कि इनका पीछा करने आए हो? मेरे को बर्फ ला के दिया। ए पुतली भाई, बहुत हो गया, चलो बाहर निकलो यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरे को बर्फ ला के दो यार, बर्फ तो मेरे को। अबिंकी, ये छुपा छुपी इन दोनों को करने देते हैं, हम बॉक्स लेके चलते हैं। चलो, ए, इसका हाथ देख, ये साले मेरा हाथ तोड़ा है साले ने। ए, चलना। उठाए। ए, पुलिस, भाग, उस तरफ भाग, उस तरफ भाग।
अरे जाने दो उन्हें। अरे जिस चीज के पीछे भाग रहे थे उसे छोड़ दे। देखो भवानी, जिस सोने की वजह से तुम्हारी जान खतरे में आए ना, वो सोना मुझे नहीं चाहिए। जिंदगी में बहुत दौड़ लिया भवानी, बहुत चोरी चकरी कर ली, लेकिन भवानी मैं हमेशा सोचता था कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अब नहीं। नंदू तू ये क्या कह रहा है? भवानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि I love you. मिटा मैं भी तो चली तू तेरी चाह में, ओ तेरे ही तरह
जान ले ले रे, जवानी ले ले रे, प्यार मेरे डोंगरी पुलिस ने गोलियों की आवाज सुनकर एक आदमी को गिरफ्तार किया है। ये वही आदमी है जो हमें उस गांव में मिला था। उसका कहना है कि उसने उस बॉक्स को देखा है। तो ये है तुम्हारा घर नंदू, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? भवानी, बात यह है कि पहले मैं अकेला था ना, घर का मतलब ये था आओ सो उठो चले जाओ। अब तुम मिल गए हो ना, मैं पूरे घर को सुधार दूंगा। मैं सोच रहा था कि वहां रसोई घर होगा, यहाँ एक डाइनिंग टेबल लगेगा और वहां एक बेडरूम होगा। लेकिन बेडरूम तो दो चाहिए। दो बेडरूम क्यों? देख नंदू, इधर बैठ बैठ बैठ। नंदू, तू और मैं तो हमेशा झगड़ा करते रहते, तो मैंने सोचा जिस दिन अपना झगड़ा हुआ मैं तेरे को वहां भगा दूंगी। भवानी, यहाँ हम लोग शादी की बातें कर रहे हैं और तू झगड़े की बातें करती है। अरे कभी तो प्यार की बातें किया कर। क्या करूं, मेरे बचपन से आदत है। देख, हम लोगों ने शादी करने का फैसला तो कर लिया है, अब तो मुझे बता तू है कौन, कहाँ से आई है, माँ बाप कौन है? Yes, sir. तुम उस तरह देखो सर। राणा। यस सर। मेरे साथ पीछे भी देखो, तुम आगे जाके देखो। जी सर। वहां हाँ, उन डब्बों के पास। सर हुँ? मुझे तो ये कोई पुरानी फैक्ट्री लगती है। पुरानी फैक्ट्री लग रही है? यस सर। जी मुझे तो ये एक फाइव स्टार होटल लग रहा है। सर आपको ये फाइव स्टार होटल कैसे लग सकता है? क्या फाइव स्टार? सर को ये फाइव स्टार होटल लग रहा है? ये फाइव स्टार होटल लगता है? हाँ। राणा। हाँ सर, मुझे भी फाइव स्टार होटल लगता है। राणा,
इधर जाकर देखो और श्री तुम बाहर जाकर देखो। मिस्टर देसाई जी, किसी भी चीज से आपको जरा से भी रेडिएशन मिले तो मुझे फौरन बुला लेना। राइट सर। या डॉक्टर राय, आप यहाँ पर कैसे? आप और ये सब लोग कौन हैं? आप प्लीज जरा यहाँ आइए। आई एम सॉरी मिस्टर नायर, लेकिन आज तक हमने आपसे एक बात छुपा के रखी है। उस बॉक्स में सोना नहीं है। तो फिर उस बॉक्स में क्या है डॉक्टर राय? न्यूट्रॉन बॉम्ब। क्योंकि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर नायर, अभी भी हमें हर कदम सावधानी से लेना होगा। अगर ये बात जरा सी भी फैल गई तो शहर में लोग डर के मारे बेकाबू हो जाएंगे, तरह तरह की अफवाहें फैलेंगी, भगदड़ हंगामा मचेगा और तब मिस्टर नायर सिचुएशन पर काबू पाना उस बम से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अरे वो न्यूट्रॉन बॉम्ब है। वो न्यूट्रॉन बॉम्ब मतलब क्या होता है? अरे वही जो जापान में गिरा था ना, हजारों लोग मर गए थे। क्या बात करते हैं? हाँ। तो फिर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? मुझे क्या मालूम वो कौन है लोग नंदू। अरे मुझे क्या पता, लेकिन नंदू वो लोग इधर क्यों आए शहर में? शायद वो पूरे शहर को उड़ाना चाहते हैं। क्या बात करते हैं? अरे फिर भागो यहाँ से, जाते हैं शहर छोड़ के, चल। अरे उठ, अरे उठना है, अरे उठ उठ चल। अरे भाई साहब जाना कहाँ है? अरे आप चलो ना पहले, जल्दी यहाँ से कहीं भी चलो। अरे मगर कहाँ जाना है, इधर लॉन्ग डिस्टेंस में भाड़ा ज्यादा मिलता है, शॉर्ट डिस्टेंस में भाड़ा कम मिलता है। मिल जाएगा रे भाड़ा, मिल जाएगा। मगर आप लोग समझते क्यों नहीं, हमको रिटर्न भाड़ा भी तो मिलता है। रिटर्न कौन आएगा इधर? अरे मगर जाना किधर है वो बताओ तो फिर जाना। अरे मैडम तुम लोग हमारा प्रॉब्लम समझ रहे हैं? तुम एजुकेटेड लोग होते क्या ऐसा करता है मैडम? अरे जाना किधर? अरे देखो क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं ये कह रहा हूँ पुष्कर भाई की क्रिकेट का मैच होगा दो देशों के बीच, स्टेडियम भरा होगा क्रिकेट के प्रेमियों से, हजारों लोग देखने के लिए आएंगे, 26 देश के करोड़ों लोग इसे टीवी पे देखेंगे, लाइव टेलीकास्ट। राइट, वासिम अकरम गेंदबाजी करेगा, सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करेगा और हम सारे बमबाजी करेंगे। एक ही धमाके में लाखों लोगों का विकेट डाउन, लाखों लोगों का सफाया, क्लीन बोल्ड, ना रहेगा ग्राउंड ना रहेगी विकेट, बिकॉज आई हेट क्रिकेट। वाह क्या सीन है। पिंकी तुम पागल हो गए हो, इस बॉम्ब के जरिए हमें सिर्फ सरकार को अपनी ताकत का अंदाजा बताकर अपनी मांगों को मनवाना है। उन लाखों बेकसूर लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही उनको मारना हमारा मकसद है। तुम्हारा नहीं होगा लेकिन मेरा तो यही मकसद है। जरा सोचो यार पुष्कर, ऐसी घटना दुनिया में कभी घटी है? कभी देखा है कि लाखों लोग एक ही डिलीवरी में ऑल आउट? और ये कवर करने के लिए स्टार टीवी, जी टीवी, बीबीसी टीवी, सीएनएन टीवी, ये टीवी, वो टीवी, सब टीवी की मक्खी आ जाएगी और वो कमीने जानते नहीं है, वो खुद भी उड़ जाएंगे इसमें। मौत की एक लाभ देखो गाना नंबर 7। एक मिनट पिंकी, अगर तुम्हारा यही मकसद है तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। साथ नहीं दोगे तो जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा बस। देखो गाना नंबर 10। पुष्कर पुष्कर भाभी समझाइए नहीं से, बड़े वो हैं। आप एक बार मुझे खुला छोड़ दीजिए, देखिए मैं क्या क्या कारनामे करके दिखाता हूँ। जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्लास्ट के बाद। लेकिन नंदू तुमने वो बॉम्ब चुराया क्यों? अरे मुझे क्या मालूम कि उसमें बॉम्ब है, वरना मैं चोरी थोड़ी करता। ये सब काम उस तकले पिंकी का है और पुलिस समझती हम लोग इन्वॉल्व है। लेकिन पिंकी क्यों कर रही है सब? क्यों क्या? अरे वही वो पिंकी, वो बॉम्ब वगैरह वो सब क्या है? देखो छोड़ो उनको, अपनी जान बचाओ, पूरी जिंदगी पड़ी है सोचने के लिए, समझी? सब लोग मर जाएंगे क्या? न्यूट्रॉन बॉम्ब है, एक भी नहीं बचेगा। हम कुछ नहीं कर सकते क्या? हमें कुछ तो करना चाहिए। मैं भी वही सोच रहा था, कुछ करना चाहिए। लेकिन नंदू हम क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। पुलिस को असलियत तो बता सकते हैं। हाँ ये बात ठीक है, चलो। सारी जिंदगी हम पुलिस के खिलाफ लड़ते रहे,
और आज हम ही अपने साथियों को पुलिस के हवाले कर दें? तो क्या चाहती हो, लाखों बेकसूर लोगों को हम मरने दें? यही था हमारा मिशन। और तुम नहीं समझोगे इस पिंकी को, पागल हो गया है वो, खुद भी मरेगा और हम सबको मरवाएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही चारा बचता है स्वर्ण, पुलिस को हम जल्द से जल्द इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस है। वो दोनों कौन थे? कौन दोनों? नहीं बताएगा तो मैं तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। मेरी जान भी ले लोगे तो भी मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताऊंगा कि वो दोनों तुम्हारे बॉस थे। मेरे बॉस? तुम्हारे बॉस सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर? यस। बैठो। तो वो सीबीआई ऑफिसर जंगल में क्या कर रहे थे? शेर का पीछा। आगे? पीछे। आगे? पीछे। आगे क्या हुआ? आगे शेर चल रहा था। तो आगे शेर चल रहा था, फिर पीछे ये लोग दोनों चल रहे थे। लेकिन वो जंगल में क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे। वो लेडी सीबीआई ऑफिसर है ना, उसके पिताजी बहुत बड़े शिकारी हैं। और वो दूसरा ऑफिसर, हाँ, उसकी माँ भी बहुत बड़ी शिकारी है। और मेरे पिताजी भी बहुत बड़े शिकारी थे। सर आ गए। सर पागल है क्या? वो बिल्कुल पागल है। मतलब अगर कुछ देर और रहा तो वो हम सबको पागल कर देगा। जाने दो उसे, छोड़ो उसको। सिरी, पागल वो नहीं, ये है। तुम्हें मालूम है उस दिन अपन लोग जंगल में लड़का लड़की को फॉलो कर रहे थे, मैंने कहा था रोड साइड भागे हो और तुमने बोला था पहाड़ साइड गए हो। तुम्हें रोड साइड भगाया, मुझे पहाड़ पे भगाया। उस दिन से मेरे को थोड़ा लगता है क्रैक हो गया है, कोई भी काम करता है पागल के जैसे। ये बात बताओ, हो सकता है ये सचमुच में पागल ना हो, हो सकता है पागलपन की एक्टिंग कर रहा हो सकता है जब हम उसको छोड़े तो वो। सुनो सर, तुम ये यूनिफॉर्म बदलो और प्लेन क्लोज में उसको फॉलो करो। साहब टिकट नहीं चाहिए। साहब टिकट का पैसा दो। अरे भाई नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। साहब टिकट का पैसा दो। अरे टिकट नहीं चाहिए तो पैसा क्यों दूं यार, नहीं चाहिए। आदमी है क्या पागल? कोई भी हिलेगा नहीं। जो भी साला हिलेगा उसको मैं ऐसे ही उतार दूंगा, समझे?
बैठ जाओ सड़क को हिलेगा नहीं, बैठ जाओ। तू गाड़ी चला। अरे सर, गाड़ी चला नहीं तो गोली मार दूंगा। चला तेरे तू। मैं भी इसी देश का नागरिक हूं, आप ही की तरह। डरने का नहीं, हम दिल्ली चलते हंसते खेलते गाते। एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, राइट? टार्जन शुरू कर। नहीं, मैं ही शुरू करता हूं। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, को 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 कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, गाओ कुछ ना कहो, तुम भी गाओ कुछ भी ना। तारजन, तू उनको ढूंढ रहा है कि बस के टायर गिन रहा है? तारजन, उनको ढूंढ कर जंगल वापस भेज दूंगा। तो सर तू गाड़ी चला। लेकिन डंकी ये डबल डेकर। अरे गाड़ी चला। अरे पर मैंने कभी डबल डेकर नहीं चलाया। अरे रिक्शा समझ के चला भैया। और डंकी पर कैसे? घबराना नहीं, मैं किसी दूसरे की महबूबा को हाथ नहीं लगाता। और आपकी मोहब्बत के बारे में तो जानते हैं। ए, पिया मिलन को जाना है, जा जा ना। आ रही है सबर कर। हाँ, कैसी शिव पार्वती की जोड़ी लग रही है। मैं अभी टार्जन भैया से बोल रहा था कि प्यार में जान देने की भी तैयारी होनी चाहिए। बोल, जान देते हो कि मैं लूं?
नायक, अबे साले तू गाड़ी चला रहे कि घोड़ा चला रहा है? वो गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही थी कि मुझे दिखाई नहीं दी, मैं क्या करता? तुझे गाड़ी नहीं दिखी थी, ऊपर का ब्रिज भी नहीं दिखा था। मैं भूल गया था कि ये डबल डेकर है। ए भगवान, अगर तेरे जैसे आदमी मेरी गैंग में रहे ना जोसेफ, तो मैं बन चुका डॉन, और मुझे डॉन बनना है जोसेफ, मुझे डॉन। भवानी, अगर ये साला यहाँ आ गया ना तो ये हम दोनों को मार डालेगा। हम ये सोच के निकले थे कि इस साले को किसी भी तरह रोकना है, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। तुम मेरे साथ हो ना भवानी? आई लव यू। मी टू। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब उसमें 1 करोड़ का सोना था तो हमें 2 करोड़ का क्यों बताया गया? और नहीं यार, 2 करोड़ का सोना था, 1 करोड़ का बताया गया। नहीं नहीं नहीं, उसमें 1 करोड़ का सोना, 2 करोड़ का सोना था, 1 करोड़ का बताया गया। दो दो सर, इतनी सी बात तुम लोग नहीं समझे। नंदू को बताया गया कि उसमें 2 करोड़ का। सर मैं इसे यही बता रहा था कि उसको बताया गया कि 2 करोड़। नंदू को बताया गया कि उसमें 2 करोड़ का सोना है, लेकिन नंदू को खुद भी पता नहीं था कि उस बक्से में 2 करोड़ का सोना नहीं बल्कि न्यूट्रॉन बम है। सर ये लीजिए, ये लीजिए सर, लीजिए बम। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन छानबीन के दौरान मैंने आपको बहुत तंग किया, वो शेर, शेर का शिकार। आफ्टर ऑल ये हम हमारे देश को बचाने के लिए कर रहे थे, प्लीज डोंट माइंड। जय हिंद। अब इस बात को गौर से समझो, नंदू को भी पता नहीं था। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब ने हमारी बात मान ली, वरना ये सारी चीजें हैं ना हमारे गले में आ जाती। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब आप दोनों से मेरी एक ही विनती है, जब आप दोनों की शादी हो जाए तब आप लोग हनीमून के लिए मनाली जाना, मसूरी जाना, कहीं भी जाना, लेकिन मेरे गाँव में मत आना। क्यों? मैं तो मजाक कर रहा था। जब आप दोनों की शादी हो जाए तब हनीमून के लिए आप मेरे ही गांव में आना। बाय दयाशंकर। लेकिन चाको जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है मेरा नाम भवानी है। लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा दयाशंकर ही रहोगी। बाय बाय।
बाय 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 ए भवानी, अब हम लोगों ने शादी का फैसला कर लिया है ना, अब तो मुझे ये बता कि तू है कौन, तेरे माँ बाप कौन है, कहाँ से आई है तू? देख नंदू, एक काम करते हैं, पहले तू बता, उसके बाद में मैं बताती हूँ। अरे मैं क्यों बताऊँ, मैंने पहले पूछा ना। हाँ नंदू, लेकिन अब मैंने पूछा है ना। अरे पहले मैंने पूछा ना। देखो नंदू, अब मैंने पूछा है ना तो तुम बताओ। अरे हर वक्त तेरी मनमानी चलेगी क्या नंदू? मैं अभी से कह रही हूँ, हर वक्त मेरी ही मनमानी चलेगी शादी के बाद भी। अच्छा समझे, तो अब तुम बताओ। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। अरे जब भी देखो झगड़ा करती मैं चलता हूँ, चल। अच्छा कभी कभी तेरा भी सुन लिया करूँगी। हाँ ये बात है। तो मैं बताऊँ? बता ना। अच्छा तो सुन ले, देख जब मैं छोटी सी थी ना, मतलब इतनी सी, तब मेरे पिताजी बहुत बड़े शिकारी थे। Thank you.